साल 2023 से 24 का देश का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। बजट में निर्मला सीतारमण ने किसानों, हेल्थ सेक्टर और खासकर सैलरी क्लास को बड़ी राहत दी। खासकर 7 लाख रुपए वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ हो रही है, क्योंकि इस भयानक महामारी के दौर में भी हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर रही। इस दौरान हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं हुई, जिसमें बताया गया कि भारत आने वाले सालों में अपने मेडिकल फील्ड में क्या क्या बड़े बदलाव करने जा रहा है। साल 2023 में साफ किया कि हेल्थ के क्षेत्र में कई सुधार की जरूरत है, इसलिए नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा लैब की व्यवस्था होगी। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए नए मशीन लाए जाएंगे, ताकि भारत में बड़ी से बड़ी बीमारी का सफल इलाज हो सके। वित्त मंत्री ने एनीमिया की बीमारी को ध्यान में रखते हुए बजट में बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि साल 2027 तक एनीमिया की बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि खून की कमी के कारण हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। इस बार का बजट कई मायनों में खास बताया जा रहा है। इस बार बजट में साफ पानी, खाने पर जोर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं हेल्थ बजट 2023 की कुछ बड़ी घोषणाओं के बारे में। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। औषधि क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 2047 तक स्किल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। फार्मा में नवाचार के लिए नया प्रावधान शुरू किया जाएगा। चिकित्सा उपकरणों के लिए शुरू किया जाएगा नया पाठ्यक्रम। ICMR की संख्या देश भर में बढ़ाई जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मोदी सरकार ने मेन होल को लेकर एक बड़ा फैसला किया। बजट साल 2023 में ये साफ हो गया कि अब मेन होल में इंसान नहीं उतरेंगे। अब जानिए कि 2022 में हेल्थ सेक्टर को क्या मिला था और कितना मिला था। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणाएं की। पिछले बजटों में बढ़ते आवंटन के साथ हाल के सालों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सरकार का एक बेहद फोकस वाला विषय रहा। केंद्रीय बजट 2022 से 23 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन लगभग 86,200 करोड़ रुपए थे, जो पिछले साल यानी 2021 से 22 की तुलना में 16.5% ज्यादा था। बजट 2023 से भारत में समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए सरकार की योजनाओं के लिए एक रोड मैप प्रदान करने की उम्मीद की गई है। बजट को संसद के पटल पर रखने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैबिनेट की बैठक में शामिल हुई। इस बैठक में बजट के बारे में विचार विमर्श हुआ। मोदी सरकार के लिए बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल यानी 2024 में आम चुनाव होना है। ऐसे में इस बजट में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।